Hey friends, welcome back to my channel and you're watching Feel Free Solution. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ होम रेमेडीज डार्क सर्कल्स के लिए। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि डार्क सर्कल्स के लिए हम कौन कौन सी होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, नींद कम ले रहे हैं या फिर अगर आपकी बॉडी में पीएच लेवल कम हो गया है, इन सब रीजंस की वजह से आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तो कैलोजन हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है, जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपनी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। साथ ही में अप्लाई कीजिए मेरी बताई हुई ये होम रेमेडीज एंड आई एम टेलिंग यू कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। एक बार इन रेमेडीज को जरूर देखें। चार रेमेडीज मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी आपको इजी लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डार्क सर्कल्स के लिए हमें जानना होगा कि रीजन क्या है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये रेमेडीज। तो सबसे पहले या तो आप अप्लाई कर सकते हैं रोज वाटर, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है और आप सभी को पता है कि हमारी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग करने के लिए रोज वाटर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप इसको सर्कुलर मोशन में अपनी आईज के चारों साइड इस तरीके से लगा लीजिए और हमेशा इसको रात में लगाकर सो जाइए। आप लगभग एक वीक तक इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट इससे नजर आएगा। अगर आप थका थका महसूस कर रही हैं तो इस तरीके से रोज वाटर में कॉटन पैड्स भिगोकर अपनी आईज के ऊपर 10 मिनट तक रखने के बाद काफी ज्यादा अच्छा महसूस करेंगी। सेकेंड रेमेडी है ये बादाम रोगन तेल, मीन्स बादाम का ये तेल आपको यही वाला यूज करना है और अपने अंडर आई इस तरीके से अपनी दोनों फिंगर से सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कर लेना है। बादाम रोगन का तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और आपके डार्क सर्कल्स रिमूव करने के लिए बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि इसमें भरपूर होते हैं विटामिन ई जो आपकी आईज से डार्क सर्कल्स रिमूव करेंगे। इसको लगाने के बाद आपको सो जाना है और आप इस बादाम रोगन तेल की जगह जैतून का तेल भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसे रात में लगाकर सो जाइए और आप देखेंगे विद इन 3-4 डेज आपके डार्क सर्कल्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है वो है ये कच्चा आलू। कच्चा आलू बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो आपको इस तरीके से कच्चे आलू को घिस लेना है, आप उसको ग्रेट कीजिए और उसका जूस इस तरीके से निकाल दीजिए। निकालने के बाद आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए लाइक दिस और आपकी ये बेस्ट डार्क सर्कल्स रेमेडी है बिल्कुल रेडी। इस तरीके से आप आलू का जूस निकाल कर उसमें आप कॉटन पैड को डिप कीजिए और अपनी अंडर आई और अपने आईज के चारों साइड अच्छे से इसको मसाज कर लीजिए। ये जो हम आलू का जूस यूज करते हैं, हद से ज्यादा अच्छा आपका डार्क सर्कल्स के लिए होम रेमेडी है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मेरी मानिए तो आप कुछ भी ना अप्लाई करके केवल ये आलू का जूस अप्लाई कीजिए और आप देखेंगे विद इन 4-5 डेज आपको अपने डार्क सर्कल्स में इम्प्रूवमेंट नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप मेरी ये रेमेडीज ट्राई करते हैं और आपको कैसा रिजल्ट मिलता है मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सन टैन की प्रॉब्लम है तब भी ये आलू का जूस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। रात को लगा के सो जाना है और मॉर्निंग में अपना फेस वॉश कर देना है। उसके बाद ये आती है मेरी लास्ट रेमेडी। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको लेना है आधा टमाटर, उसमें ऐड करना है आधा नींबू का जूस। इन दोनों को अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए और आपके पास ये जूस रेडी हो गया है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा हल्दी। इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लीजिए और ये पेस्ट आपके डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट वर्क करेगा। आलू का जूस, ये बेसन का पेस्ट, आपका बादाम रोगन ऑयल, जैतून का तेल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। जो रेमेडी आपको पसंद आए उसमें से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपने कौन सी रेमेडी अप्लाई की, आपको कैसा रिजल्ट मिला मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके से अपने आईज पर चारों साइड इसको लगा लीजिए, 10 मिनट तक ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दीजिए। इस रेमेडी को आपको वीक में 3-4 टाइम्स अप्लाई करना है। 10 मिनट के बाद आपको इसे गीले कॉटन के कपड़े से हल्के से इस तरीके से वाइप कर देना है और ये आपको वीक में 3 टाइम्स अप्लाई करना है और आप इसके मिरेकल देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको इनमें से कौन सी रेमेडी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइप के और भी DIYs मिलेंगे आपको मेरे चैनल पर। मिलती हूँ ऐसे ही और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।